आपको लेकर चल रहे हैं। भिवंडी शहर में आज ईद परंपरागत तरीके से मनाई गई। ईद के इस शुभ अवसर पर सभी मुस्लिम बंधुओं को और सभी भिवंडी वासियों को ईद की शुभकामना देते हुए सेवन न्यूज़ के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम बांधवों ने बरसात के समय भी नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि भिवंडी शहर में सुख और शांति बनी रहे। वैसे भिवंडी शहर की तस्वीर जो है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई मस्जिदों में नमाज जो अदा की गई है उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपके समक्ष रखी जा रही हैं, और साथ में कुछ लोगों ने शुभेच्छा भेंट की है। शुभेच्छा जो दी है हम आपको दर्शा रहे हैं कि किस तरह शुभेच्छा उन्होंने दी और किस तरह शुभकामनाएँ कि भिवंडी वासियों के सुख और शांति के लिए। तो चलिए, यह परंपरागत त्यौहार जिस तरीके से भाईचारे के साथ मनाया गया, सभी हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिलकर के इस त्यौहार को मनाया। त्यौहार के इस शुभ अवसर पर मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें और आपको जो एकता का जो संदेश भिवंडी शहर में भेज रहा है, भिवंडी शहर जिस तरीके से एकता का संदेश दे रहा है, पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से फूलों से लोगों का स्वागत किया है वो दृश्य आपको दर्शा रहे हैं, और ख़ास करके लोगों ने कुछ अपने माध्यम से आपको संदेश भेजे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं निसार भाटी जिस तरीके से एक संदेश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि एकता, भाईचारा किस तरह हमें बनाए रखना है, हम और आप मिल करके इस भिवंडी शहर को सजाएँ, इस गुलदस्ते की तरह सजाएँ। उसमें गुलदस्ते में कई फूल होते हैं और मिल करके जो एक गुलदस्ता बनता है वही एक नमूना हम भिवंडी शहर को बनाना चाहते हैं। खैर, जो भी हो, हम आपको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि एकता का मिसाल देता हुआ भिवंडी शहर कहीं ना कहीं अपने आप में हिंदू और मुस्लिम एकता का एक परिचय जो दे रहा है वो काबिले तारीफ है। तो चलिए, आपको लेके चलें भिवंडी शहर की कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए। साथ में जरूर कहना चाहूँगा कि तपती हुई जमी है जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के मौसमों में मैं बहार बांटता हूँ, ये आग का है दरिया, जीना है बड़ा मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। ये विष्णु सक्सेना जी ने इन चार लाइनों को जो संबोधित किया, सचमुच प्यार की एक लकीर इसमें खींची जाती है कि हमें और आपको किस तरह से यहाँ पर भिवंडी शहर में खास करके जो तस्वीर बन रही है उसको हम दर्शाने का प्रयास करें और एक साथ मिलकर के पूरे देशवासियों को और पूरे भिवंडी वासियों को अपने शहर को एक शांति का संदेश दें। हाथ मिला के बोलो। मैं अपने सभी भाइयों को ईद मुबारक की खुशी में ईद मुबारकबाद देता हूँ, ईद की खुशी में, और दिल में ये सोच के बोलता हूँ कि हमारे ईद की जो खुशियाँ हैं वो साल भर ऐसी चलती रहे जैसा आज के दिन ईद की खुशी चल रही है। हमारी एकता में, हमारे भिवंडी शहर में जो माहौल एकता का बनते जा रहा है और जो बहुत प्यारा माहौल बनते जा रहा है, उसके लिए हमको बहुत खुशी है और इंशाल्लाह एकता का माहौल और अच्छा ही होते जाएगा, ये मेरी उम्मीद है और मेरी दिल से दुआ भी है। और एक गीत आप गाते हैं, इसके बाद में मैं आपको मेरे दिल की आवाज़ है ना, मेरे को बोलने को आता है ना, मेरे को ज़्यादा आवाज़ भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल की आवाज़ आपको सुना देता हूँ, तो आप ज़रा सुनिए। इंसान बन कर देख तो इंसान की नजर से, हिंदू की आँख से ना, मुसलमान की नजर से, इंसान बन कर देख तो इंसान की नजर से, हिंदू की आँख से ना, मुसलमान की नजर से, राह भटक गया है कहीं, राह भटक गया है कहीं, राह पर लगा दो, राह भटक गया
तेरा पर लगा दो, मगर तू देख, मगर तू देख इंसान को इंसान की नजर से, हिंदू की आँख से ना, मुसलमान की नजर से, इंसान बनकर देख तो इंसान की नजर से, हिंदू की आँख से ना, मुसलमान की नजर से। भाइयों को ईद उल फितर की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। शहर हमेशा हमारा अमन से रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें, अच्छे से त्यौहार मनाएं और शहर में अमन शांति बरकरार रहे। मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सभी लोगों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। पंडी के तमाम आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम भाइयों को, आलम इस्लाम को मैं ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे से गले मिलकर ये ईद का त्यौहार मनाएंगे और इससे हमारी जो तहजीब है कौमी एकजहती का एक नमूना पेश करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। इस कमेटी की तरफ से पूरी मुहिम शहर के वासियों को दिली गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ में मैं एक समझ रहता हूँ जिस तरीके से आज हमारा शांति से हमारा शहर है, आगे भी चल के जो हिंदू भाइयों का त्यौहार हो या मुस्लिम भाइयों का त्यौहार हो, सब मिलजुल के मनावे ताकि एक मैसेज भिवंडी शहर से पूरे देश में जावे एक हिंदू मुस्लिम एकता का। और अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा भिवंडी शहर के अंदर कोई भी त्यौहार आता है अमन और शांति से बनता है और इसी रमजान महीने के अंदर ही हमारे कांग्रेस के मेयर का इलेक्शन हुआ और कांग्रेस के मेयर हमारे जावेद धर्मी साहब बने। मैं भिवंडी जनता से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करिए हमारे मेयर साहब से, हमारे कॉरपोरेटरों से, हमारे भिवंडी के सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों से कि जो शहर का विकास का काम हो वो हम काम कर सके और हमारी पूरी कोशिश रहेगी भिवंडी शहर के विकास के लिए सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जिस दिन ये काम होगा हमको हमारी जीत होगी ताकि हम जनता के दिलों में जब बसेंगे जब हम इस शहर का काम करेंगे। यही मैं सबसे फिर वापस दीदी गहराइयों से इसको मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं मेरे परिवार की तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को मन से ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक महीना हो गया, एक महीने से ये पवित्र महीना जो आप जो समझते हैं और ये पवित्र महीना जो रमजान महीना है और आज वो पवित्र महीने का एक ईद है और ईद के अवसर से हमारे बड़े भाई शोएब भाई गुड्डू इनके जबकि हर टाइम हर साल में जब शुरुआत करता हूँ तो शोएब भाई के घर से मैं शुरुआत करता हूँ और जो ये ईद और रमज़ान महीना है, रमज़ान महीने के बाद में जब अपना गणपति का त्यौहार आता है जो सबसे जो चलता है कि रमज़ान में हर हिंदू और मुस्लिम एक होके ये रमज़ान महीना करता है। ऐसा हमारा जब गणपति आता है वो गणपति के टाइम पे दीपावली के टाइम पे भी सभी जात के जो मुस्लिम हो या हिंदू हो सब एक जात एक होके सब सन मनाते हैं और मुझे खुशी है कि पूरा भिवंडी एकता अखंड के नाम से अपन समझते हैं। एकता अखंड है इसका मतलब ऐसा है कि जितना हिंदू लोग है उतने से ज़्यादा मुस्लिम समाज है और सब मुस्लिम समाज हिंदू समाज एक होके ये सब सन साजरा करते हैं। मुझे खुशी है कि आज ये ईद के अवसर से जब मैं सभी मुस्लिम भाइयों को जो मिलता हूँ मन से खुशी होता है। आज भी वैसा ही मैं सभी भाइयों को मिलके मुझे और मेरे परिवार को परिवार के तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों मैं ईद की मुबारक देता हूँ। सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपल्या सर्वांना हा सण आनंदाचा उत्साहाचा आणि भरभराटीचा जाऊ। त्याचप्रमाणे या भिवंडी शहराची जी परंपरा आहे या परंपरेमध्ये हिंदू मुस्लिम एकत्र येऊन सर्व सण एकमेकांसोबत साजरे करत असतात, एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये सामील होत असतात। हा जो भाईचारा आहे
हा निश्चितच संपूर्ण भारतीयांसाठी एक संदेश आहे आणि अशा प्रकारचा ह्या भिवंडीमधून म्हणजे हिंदू मुस्लिम ऐक्याचं प्रतीक जे आहे ते संपूर्ण भारतीयांना आदर्श करू देऊ शकतो अशा प्रकारचं आहे आणि म्हणून मी सर्व भिवंडीवासियांना खास करून ईदच्या हार्दिक आम्ही शुभेच्छा देतो आणि ह्या ईदमध्ये सर्वांना सुख समृद्धी आणि आनंदाने भरभराटीने या सणाचा आनंद उत्साह घेता यावा अशा प्रकारचं वातावरण या भिवंडीमध्ये निर्माण व्हावं हे मी सर्वांना ईद जो महिनाभर उपवास करून मुस्लिम बांधवात उपवास सुटलेला आहे त्यांचा आणि आम्ही सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी भिवंडीच्या पुढे जाऊ ईदच्या निमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना आम्ही आपली शुभेच्छा देतो. भिवंडीच्या सर्व माझ्या मुस्लिम बांधवांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा. ह्या ईदेमध्ये सर्व मुस्लिम बांधवांना भिवंडी वासियांतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. माझ्यातर्फे माझ्या कुटुंबातर्फे सर्व मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा. आता ईद एक महिन्याचा उपास राहतात, एक रमजान महिन्यात होते. रमजान महिन्यात लोक 18 घंटे काहीच खायचं नाही आणि काय प्यायचं नाही असा उपास राहतात लोक. हे फार कठीण आहे आणि उपासनंतर जे ईदचं दिवशी ते लोकांना असं वाटतं की फार मतलब म्हणजे असं वाटतंय की लोक आम्ही फार पुण्य करून आले असं लोकांनी वाटतोय त्यांना रमजान महिना बोलतोय. आणि ईदची खुशिया सर्व लोकांची वाटायची, कोणतरी दुश्मन असेल त्याला गले लावायचे असे ईद. मी जास्त बोलू शकत नाही त्याचं म्हणजे मला काय जास्त माहीत नाही आहे, परंतु सर्व कुटुंबाचे लोक आणि सर्व हिंदुस्थानी लोकांना माझ्या तर्फाने ईद मुबारक आणि ईदची शुभकामना आहे. सभी भिवंडीवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं. और ये साल जो प्रगति और निसर्ग इतना बढ़िया चल रहा है तो ये सब आप लोगों के उपवास कर्म का फल है, इसलिए भिवंडी अच्छी तरह से प्रगति कर रही है और भी करना चाहिए. ये शुभकामना करते हुए सभी मुस्लिम भाइयों को और उनकी परिवार को हमारी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं.